राजधानी जयपुर में सोमवार को दिनभर बादल छाए रहने के बाद रात को अचानक धूल भरी हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रही। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जोबनेर में ओले गिरे। बारिश और तूफान के कारण राजधानी के कई इलाकों में होर्डिंग्स और पेड़ मुख्य सड़कों पर गिर गए। बिजली सप्लाई ठप हो गई। मौसम का ये रूप जयपुर के अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, टोंक, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में भी देखने को मिला। इन जिलों में पेड़, टीन शेड, कच्चे घर और बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर गिर गए। कोटा में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। मौसम एक्सपर्ट के अनुसार 2 दिन बाद प्रदेश में नौतपा शुरू होने वाला है, लेकिन जेठ के झुलसाने वाले महीने में फाल्गुन जैसी ठंडक का एहसास होने लग गया। जयपुर, कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर, टोंक में हुई बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के कारण अधिकांश शहरों में दिन का तापमान गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया। हनुमानगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान दिन के तापमान में 11.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। इसके साथ मंगलवार को भी तेज हवाएं चल सकती हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।